दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कौवा महल गांव स्थित मोती शेख के अवैध पत्थर खदान का चाल धंसने से एक मजदूर की मौत घटनास्थल पर हो गई, वहीं दो मजदूर पूर्ण रूप से जख्मी हो गए। मृतक का नाम हकुरुद्दीन मोमीन उर्फ मिलन मोमीन बताया जाता है, जबकि घायल खुद्दस मोमीन तथा कमाल मोमीन बताए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के रायपुर गांव का रहने वाला है। घटना के वक्त तीनों ही खदान में एंगल ड्रिल कर रहा था। ड्रिल करने के क्रम में ऊपर से ही पत्थर का चाल धंस गया, जिससे एक की मौत और दो घायल हो गए। इस खदान के जितने भी संचालक हैं सभी को चिन्हित कर उस पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं खनन पदाधिकारी दिलीप कुमार तापी एवं पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी संजय कुमार मालवीय ने पुलिस बल के साथ छापेमारी कर पोड़ा बसोड़िया में चल रहे अवैध पत्थर खदान से कुछ विस्फोटक सामग्री समेत संदीप कनाई एवं संतोष मंडल को हिरासत में लिया। आपको यह भी बता दें कि पत्थर औद्योगिक इलाके में नई सरकार गठन के बाद भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहे हैं, जो झारखंड के अलावे बिहार और बंगाल के लोगों को द्वारा संचालित किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि सीओ ऑफिस के संरक्षण में पत्थर माफियाओं द्वारा अवैध कारोबार आसानी से फल फूल रहा है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। बताया जाता है कि जब जमीन अंचल के नियंत्रण में है तो फिर महीनों से कैसे सैकड़ों की तादाद में अवैध कारोबार बिना किसी भय के पत्थर माफियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। अवैध रूप से विस्फोट कर पत्थर तोड़े जा रहे हैं। यह सवाल बना हुआ है कि जब कोई घटना घटती है तब जांच के नाम पर पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच अपनी जांच की खानापूर्ति करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वही हाल हो जाता है। सर ये बताइए कि आप कहते हैं कि इनलीगल बंद है, लेकिन मजदूरों की रोज रोज मौत हो रही है, इस पर किस तरह अंकुश लगेगा? क्योंकि हम लोग तो लगातार प्रशासनिक प्रयास है कि अवैध काम पूर्णतः बंद रहे, और हम लोग इस संबंध में हम पूरे टीम के साथ थाना प्रभारी के साथ लगातार छापामारी कर रहे हैं। अधिकांशतः जहां भी जा रहे हैं खनन कार्य बंद पाया जा रहा है। सिक्का दुक्का ये घटनाएं होती है जो छुप कर करके लोग काम करते हैं, और इस पर भी हमारी कड़ी निगाह है, और इसी क्रम में आज भी हम लोग निकले हैं और एक अवैध खनन को हम लोग चिन्हित करते हुए उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। खदान के संचालक कौन? इस खदान के बारे में तो पता चला कि मोती शेख है, मोती खान और पालक खान या पालक शेख करते हैं। सर इससे पूर्व भी खदानों में घटना घटी है, उस पर कई अभियुक्त हुए हैं, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई न्यायालय के द्वारा कार्रवाई की जाती है। थाना प्रभारी अपने स्तर से जो कार्रवाई होती है उसको थाना में थाना के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। सरकार को ऐसे संरक्षण देने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि प्रतिदिन यहां से सरकार के हो रहे करोड़ों रुपए के नुकसान के साथ दो वक्त की रोटी के लिए जान जोखिम में डालकर काम कर रहे लोगों की जान बचाई जा सके। इस मौके पर जब दुमका एसपी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें सजा दी जाएगी। अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया है और थाना प्रभारी को भी हमने अवगत कराया है कि कोई भी ऐसा मैटर जो है आया हुआ है तो तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए माइनिंग ऑफिसर एसडीओ साहब और एसडीपीओ साहब और थाना प्रभारी सब लोग मिलकर इस जो भी प्रकरण है उसका पूरा छानबीन कर रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली मैटर है, और उसके बाद जो है जो भी कानूनी कार्रवाई करना है उसको हम करेंगे। नहीं, तो ऑफिस में नहीं, कल बाहर पकड़ के रखिए ना जी, तो कहते हैं कि आप ओवरलोड है, आप हम कर ही रहे हैं।